जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देखेंगे, आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि REO मतलब कि AEO के लिए 353 की पोस्ट आ चुकी है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करिए जिनको ये पोस्ट लेना है, ठीक है। आवेदन होंगे 6 से, मतलब कि कल से स्टार्ट होंगे, तो ये 30 तक चलेंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी रूल बुक भी आ जाएगी, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो ज़रूर इस वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपको बताऊंगा। साथ ही शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आप अपने घर से या अपने गाँव से सपने लेकर आते हैं, वो सपने आपके सारे पूरे हों, क्योंकि आप जिस प्रकार के जो सपने लेकर आते हैं, उसी प्रकार से आप सभी के माता पिता, आपसे जुड़े इंटरलिंकिंग सिस्टर हो गया, भाई हो गया, और अन्य कई लोग आपसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपके दोस्त और कोई भी सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है। हर गुरु का ये दायित्व होता है कि वो अपनी जितनी मेहनत करता है वो उन बच्चों के लिए है। चाहे आप में, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर वो चीज़ आपको बेहतर तरीके से दूँ जो आपको आने वाली एग्ज़ाम में सफलता के लिए या उस मंजिल तक पहुँचाने में आपको बहुत मदद मिले, क्योंकि मेरा पढ़ाना तभी सार्थक है जब आपको वो चीज़ें सारी मिलेगी। क्योंकि पढ़ाते तो सभी हैं, आप देखेंगे आजकल YouTube पर जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है, ये दिखावे का, जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होता है। क्योंकि वो जो बच्चा है वो आपके लिए या जिस संस्था पर आया है उस संस्था के प्रति वो इतना विश्वास होकर आया है कि, और उससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा मान लो PAT के लिए आ रहा है या फिर REO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस संस्था के प्रति उसका विश्वास है, तभी तो उसके लिए आया है, और इसका ये विश्वास है कि वो इससे तैयारी करेगा तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको भी उसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए। परंतु आजकल क्या सोशल मीडिया ट्रेड और जो दिखावे की जो चल रही है चीज़ें, वो काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ छिप जाती है जो बढ़िया क्वालिटी की है, और उनको उस विद्यार्थियों के प्रति जो सजग है संस्था, वो हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि वो अपने कार्य और बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मेहनत करती है, ठीक है। मेहनत हमारी होती है, सफलता आपकी। और कहीं पर भी जैसे आप जाते हैं, चाहे एग्रीकल्चर का 11वीं 12वीं का बच्चा है, PAT तैयारी करता है, CUT की तैयारी करता है, या फिर गवर्नमेंट किसी एग्ज़ाम की, चाहे REO हो गया, किसी की भी तैयारी करता है, तो हमारी संस्था से जुड़ता है और कहीं पर जाता है। चाहे वर्ग 8 की जैसे हम बात करें, तो हम कहीं भी किसी कॉलेज या स्कूल में विजिट करते हैं, तो वहाँ पर वो मिलते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है, और बोलते हैं कि सर आप जैसे वीडियो बनाते हैं तो हम आपको रोज़ वॉच करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो चीज़ें हमसे जुड़ी रहती है और हमको वही खुशी मिलती है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रेम है, आपने जो हमको दिया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, और हम लगातार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ें हो सकती है वो देने का प्रयास करते हैं, ताकि अफवाहों और ऐसे गलत अचंभे में ना रहें जिससे कि आपका जीवन नुकसान हो जाए। क्योंकि एक तो वैकेंसी आती है लेट, और आपके 1 या 2 प्रश्न गलत होने से आपका हो सकता है कि आपको कई साल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि REO वैकेंसी आती है एक तो लेट आने के साथ, उसको पोस्ट मिलने तक उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है। तो जिस प्रकार से हम अपना पूरा प्रयास आपके लिए है कि आपको हर वो चीज़ बहुत ईमानदारी से मिले, तो हम हर वो चीज़ एनालिसिस, साथ ही आपको ऐसा कोई प्रश्न गलत ना हो जिससे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में या किसी प्रकार से दिक्कत हो, जिससे कि आपका 1 या 2 पॉइंट नंबर से आपको एग्ज़ाम से बाहर होना पड़े, तो हम पूरी सावधानी के साथ वो सब सारी चीज़ें आपको डिलीवर करते हैं। साथ ही आप शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, ये आज आया है दैनिक भास्कर, 3/9 को AEO के लिए। अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये जो पोस्ट है ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसके लिए आप वहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। अब इसमें अगर छोटा दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 313 और 40 पोस्ट आई है। सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हेतु आवेदन की संख्या, कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती हेतु पदों की संख्या। अभी कृषि विस्तार एवं सहायक ग्रेड 7 वर्ग निःशक्त जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए पदों की भर्ती विज्ञापन आए हैं 2024, ठीक है। इसमें अगर पॉइंट की मैं बात करूं, दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टिबाधित के लिए है 76 पद और सहायक ग्रेड के लिए 11 पद हैं।
बहरे और कम सुनने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए 81 और 11 पद आए हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पल्स, कुछ रोगमुक्त, बोनापन, एसिडाटिक पीड़ित, मस्कुलर डिस्क्री, इनके लिए 66 पद आए हैं। फिर बौद्धिक विकलांगता या मानसिक बीमारी तो बहु विकलांगता के लिए MD के लिए 90 पद आए हैं और इधर ये 10 पद हैं। ऐसे टोटल मिलाकर 313 और इधर 40 पद हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 6/9 से 30/9 तक तथा आवेदन संशोधन के लिए 3/10 तक इसमें टाइम दिया गया है। आवेदन भरने के लिए उपलब्ध MP ऑनलाइन पर इसके जो भी रूल बुक आएगी वो आपको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही आप अगर आप विजिट करना चाहे तो mponline.in MP कृषि मध्य प्रदेश कृषि विस्तार उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर विजिट करने के लिए मिल जाएगा। इसमें रूल बुक आएगी उसमें ही पता रहेगा कितना वेतन भत्ता, शैक्षणिक अर्हता और परीक्षा में संबंधित समस्त विवरण वो सारी रूल बुक में आएगी, तो उसका जो मैं आपको वीडियो है उसके माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें मेरा यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ था, चाहे पटवारी में आप देखेंगे या फिर वर्ग एक किसी में भी विकलांग सर्टिफिकेट बना लेते हैं, तो वह विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि भाई वो वाकई में विकलांग है तो कम से कम उनको पोस्ट मिले। आप इस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, क्योंकि आजकल बन जाता है मेडिकल डॉक्टर या इनके द्वारा लिख के दिया जाता है, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि इसमें जो वाकई ही जिनको आवश्यकता है, तो निःशक्तजन है, इनका परिवार वो सब सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है कि उनकी जो रोजी रोटी है आप उस पर क्या करते हैं, सेन लगाने का कार्य करते हैं। तो आप अगर इस सर्टिफिकेट में अगर है मतलब इन विकलांगता में आते हैं तो आप जरूर इसका फॉर्म भरिए। परंतु अगर मान लो सब सुनना सब सारी चीज़ें में बहुत बढ़िया तरीके से बेस्ट हैं और आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो वो आपके लिए और उन सभी बच्चों के लिए भी आप चैन लगाने का कार्य करते हैं जो वाकई इसके हकदार हैं। ठीक है, साथ ही अगर जो बच्चे हैं अगर इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास और भी कोर्स चल रहे हैं, चाहे MPRU के लिए हो गया है, MPPAT ड्रॉप बैच के लिए, चाहे 11+PAT 12+PAT इसके लिए भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अधिक से अधिक बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और शिक्षक दिवस पर आप सभी के लिए कुछ ऑफर भी इसमें मिल रहा है। तो आप अधिक से अधिक बच्चे चाहे PAT के लिए अगर कोई हो तो उनको आप सजेस्ट करिए, और RU के लिए तो कोर्स चल ही रहा है, उनके लिए वीडियो आपको मिलते ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।